हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मायूब जोन पे। एंड आज इस वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बीए बीएससी बीकॉम सभी इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी आप बीए बीएससी बीकॉम एंड अदर्स भी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस बीसीए सब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब देखना। एंड चलिए बिना टाइम पास किए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन दिया गया बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। साक्षरता दर मतलब होता है लिटरेसी रेट। कहां पर पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे पीछे कौन है इन चारों में से, तो आप लोग चूज़ करिए। आई होप आपने इसका आंसर सही चुना होगा, या अगर आंसर आपने बिहार चुना है तो आप सही हो। बिहार में पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे पीछे हम ही लोग हैं, ये बहुत बुरी बात है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर, देख सकते हैं ग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ए करसेटोजी, बी दिया गया है वडेल पावेल, सी दिया गया है जे एच दुरंत, एंड डी दिया गया है ट्राइविग लेट। आपका चार ऑप्शन है एंड चूज करिए इसमें सही आंसर कौन होगा। जो क्वेश्चन है, रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को चूज करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जे एच दुरंत, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका, उत्तर हो जाएगा जे एच दुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से कौन है दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी? एवरेस्ट, दोडवेट्टा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, एंड लास्ट में अनाई मुड्डी, कौन हो जाएगा इसका आंसर बताइए चूज करके। नहीं आता फिर भी चूज करिए, इन चारों में से कौन हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में शायद करवाया है, पहले या दूसरे लेक्चर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनाई मुड्डी। उत्तर देख लेते हैं, उत्तर हो जाएगा अनाई मुड्डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सौर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सौर मंदिर, ऑप्शन दिया गया है कालीकट, बी दिया गया है शाहजहांपुर, थ्री में पटना, फोर्थ में महाबलीपुरम, क्या हो जाएगा आंसर, कहाँ पर सौर मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर लास्ट मारा है फोर्थ नंबर में महाबलीपुरम, तो आप सही हो, इसका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। तो देख सकते हैं उत्तर, देखिए ये दिया गया है महाबलीपुरम। और सॉरी दोस्तों, बैटरी नहीं है, तो जल्दी जल्दी करने का कोशिश मैं करूँगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसे किसके स्कूल है? मदरसे किसके स्कूल है इन चारों में से, जैन के, हिंदुओं के, मुसलमान के, ईसाई के? मदरसे मुसलमानों के स्कूल को कहे जाते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर थ्री जो दिया गया सही है, उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है ना, लोकेशन पूछ रहा है, बिहार, इलाहाबाद, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कहाँ पर स्थित है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग बताने का कोशिश करो खुद से। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिश्नर फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया वेयर नोन एज, कमिश्नर जो होते हैं अफेयर्स ऑफ इंडिया वेयर नोन एज, उनको और किस नाम से जाना जाता है, कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ द अफेयर्स ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ मर्चेंट्स, उनका दूसरा नाम क्या है इन सभी में से, चारों में से? तो कमिश्नर ऑफ द अफेयर ऑफ इंडिया को हम लोग ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन ऑफ गांधी जी वाज स्टार्टेड बाय, जो कहाँ स्टार्ट किया गया था ये पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए, बारडोली, दांडी, चंपारण, वरोड़ा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद करने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर थ्री चंपारण चूज़ किया, तो आप लोग बिल्कुल सही हो, एंड आपको कुछ बहुत कुछ आता है हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो है ना 2020 राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा भारत में? तो उत्तराखंड दिया गया है, केरल दिया गया, सिक्किम दिया गया, मेघालय दिया गया, इन चारों में से कौन करेगा मेज़बानी जो खेल होने वाला है 2022 में? दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है मेघालय, इसका उत्तर चेक कर लेते हैं, और तो हाँ, इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है इन चारों में से? सबसे तेज, फास्टेस्ट, सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट, एंड
एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटबुक एंड सुपर कंप्यूटर। आई होप इसका आंसर आप लोगों को आता होगा एंड सही सही मारना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये क्लास 4-5 के बच्चे आपको बता देंगे अगर पूछोगे तो। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने सुपर कंप्यूटर क्लिक किया है, सही किया है, तो आप लोग बिल्कुल सही हो, यही होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर देख लेते हैं, सुपर कंप्यूटर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं। प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का, उनमें से जो पार्ट होता है प्रोसेसर का, वो कौन कौन से होते हैं? जो पूछ रहा है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, मेन मेमोरी, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट थे जिसने पूछा था हमसे, सर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में करना चाहती हूँ पटना यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो उनको बता दो जो बीएससी में आता है वही सब आता है। एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन आया, इसी प्रकार का सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इजिली कर पाओगे। ये सब क्वेश्चन सभी में आते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी सब में आते हैं, तो आप लोग को स्पेशल तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का यही सब है, थोड़ा सा कंप्यूटर पे थोड़ा फोकस कर देना। आप लोगों का जैसे बायो टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी इन बायो टेक्नोलॉजी, तो वो सब क्या हो जाएगा, उस समय थोड़ा सा बायो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ के जाना 12th वाला। वैसे ये सबका जो अपना अपना जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसका थोड़ा सा नॉलेज होकर जाना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सॉरी दोस्तों आप लोग का टाइम बर्बाद करने के लिए, लेकिन एक ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बता दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ने गेस कर लिया आई होप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी एंड स्टोरेज। ये जो है ना प्रोसेसर का निम्नलिखित भाग होता है जो मेन मेमोरी एंड स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका उत्तर चेक कर लीजिए और हो जाएगा मेन मेमोरी एंड स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है डैश होती है क्या? केवल स्थिर ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, ना तो स्थिर ऊर्जा ना ही गतिज ऊर्जा, स्थिर तथा गतिज ऊर्जा दोनों, बताइए इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है, ना तो स्थिर दोनों होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्थिर ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक वृत्तीय मार्ग पर चलती रहती है, विश्राम की स्थिति में होती है, एक समान वेग से चलती है रहती है और उच्च गति से त्वरित होती है। तो ये आई होप ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर पाओगे, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईए किए हो तो ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये सब क्वेश्चन साइंस वालों के लिए ईजी है, काफ़ी बेसिक नॉलेज के साथ ये सब कर सकते हो आप लोग। तो दोस्तों ये हो जाएगा, जब बॉडी रेस्ट में रहता है ना तब स्थिर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, विश्राम की स्थिति में होती है, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वो विश्राम की स्थिति में होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिटिक एसिड को और किस नाम से कहा जाता है? कॉस्टिक सोडा, सिरका, बेकिंग सोडा, स्पिरिट। तो दोस्तों आई होप इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिरका इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड को। तो देखिए आंसर चेक कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा सिरका एंड बेकिंग सोडा गलत है, तो बेकिंग सोडा काफ़ी लोग करके आ जाते हैं तो बिल्कुल गलत है, इसको सिरका बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 11 मई, 9 मई, 7 मई, कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? तो दोस्तों इसका सही आंसर आई थिंक 8 मई हो जाना चाहिए, इसको चूज कर लेते हैं 8 मई को, सॉरी 8 मई हो जाना चाहिए, और देख लेते उत्तर, हाँ सही है 8 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 5 जून, 7 जून, 1 जून, कब मनाया जाता है? 3 जून हो जाएगा क्या, 5 जून या 3 जून? तो दोस्तों अगर आपने 5 जून टिक किया है, उसको चूज़ किया तो आप लोग बिल्कुल सही हो, वही हो जाएगा इसका आंसर। एंड उत्तर देख लेते हैं, उत्तर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर को विश्व भर की किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सितंबर को विश्व सुरक्षा दिवस, विश्व मित्रता दिवस, विश्व नारियल दिवस, विश्व विजय दिवस, विश्व में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में सितंबर को किस क्या चीज़ से मनाया जाता है ये पूछ रहा है ना, चूज करके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। विश्व नारियल दिवस को मनाया जाता है पूरे सितंबर को, ठीक है, विश्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3, विश्व नारियल दिवस। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा एंड अच्छा अच्छा क्वेश्चन ये सब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की मूल स्थिति जीर्णोद्धार को बहाल करने का आदेश दिया है? ये सब आपके सारे करेंट अफेयर्स में आते हैं, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो ये सब भी पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। सालासर बालाजी, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी, खोले के हनुमान जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर 2,
एकदम सही है अगर आपने चूज किया है तो। इसका उत्तर देख लेते हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के समूह की नौकरियों में कितने नए खेलों शामिल करके उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? आई होप क्वेश्चन आप लोग दोबारा पढ़ लेना। इसका ऑप्शन दिया गया है 20 नए खेल, 10 नए खेल, 30 नए खेल, 50 नए खेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नए खेल। आप लोग इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेट मैथ्यू हेडन एवं भारतीय मूल की महिला लीजा सिंह को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया है तो शिक्षा दूत, व्यापार दूत, राजस्व दूत एंड वाणिज्य दूत। आई होप इसका आंसर बहुत ईजी है, आप लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट बना सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में ही व्यापार का जिक्र किया गया तो इसका आंसर भी हो जाएगा व्यापार दूत। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। यही था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। एंड कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।